साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच सतगुरु जी नाल जुड़न वाले होरना नू जोड़न वाले महापुरखां दी मिठी प्यारी याद विच चल रहे समागम विच हाजरियां लगवा रहे गुरु प्यारियो प्यार सहत गुरफते सांझी करदियां आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेशुमार अथाह अगणत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। साध संगत भयो जन्म प्राप्त कर सेवा भज हर हर गुरमत। दीन दुनी दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे ए पावन अनमोल बचन हन के ऐ मनुख किसी पुन्ना दे कारण करके तेनू मनुखा जन्म प्राप्त होया है, तू साध संगत विच आ। गुरु तो समत लै के सेवा कर, नाम जपना कर, कर सेवा भज हर हर गुरमत। गुरु तो समत लै के तू सेवा भी कर, भजन भी कर। आ जो समागम चल रहा है ये उन्हां महापुरखां दी याद नूं समर्पित है जिन्हां ने बहुत वड्डी घाल कमाई कीती है अते अनेकां प्राणियां नूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरनी लाया, लड़ लाया, जोड़ना कीता है। धन धन बाबा आनंद सिंह जी दे बचन हन, कोई साधु कितनी भी कमाई वाला कितने भी प्रताप वाला हो जावे गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सिख ही रहिंदा है। ते वाकई जेड़ा इउं गुरमत नूं अपना के चलदा है गुरु कियां मेहरां सदा उन्हां ते वरसदियां ने, सदा ही उन्हां दी सारे संसार ते जय जयकार हुंदी है, शोभा हुंदी है। तिनकी शोभा सभनी थाई जिन प्रभ के चरण पराते। जेड़े आप गुरु चरणा नाल जुड़े, गुरु के चरण परसन वाले अते गुरु दे चरणा नाल जोड़न वाले उन्हां दी शोभा एक थां ते नहीं, बचन कीता तिनकी शोभा सभनी थाई। आप इस इलाके दे वसनीक जो पहलां तो लैके बाबा जी दे संगी हो, नानकसर संप्रदाय दे बानी धन धन बाबा आनंद सिंह जी दी संगत दा सुभाग आप जी दे वड वडेरियां नूं पछमी पंजाब दी धरती ते प्राप्त हुंदा रहा, उपरंत इधर आ के इस पूर्वी पंजाब विच आ के भी उसे तरह जुड़े रहन वाला सुभाग प्राप्त हुंदा ही चला आ रहा है। कोई कोई संगी उस समय दे शरीर करके मौजूद ने, पर बहुतियां दे पुत्र धियां मौजूद ने बहु गिणती विच जिन्हां दे वड वडेरियां ने ओ समा भागां वाला ओ समा माणिया प्राप्त कीता जदों धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी नानकसर वाले इस शहर जलंधर विच दीवान सजा के किस तरह गुरु नाल जोड़न दी कृपा करदे सन, किवें उन्हां दी रसना तो अमृतमई बचना दी वर्खा हुंदी सी, बरसात हुंदी सी, हिरदियां नूं ठंडक प्राप्त हुंदी सी।
बहुत सारे विद्वान सिंह साहब सब ने समा लाना है, इसलिए सीमित समय में ही हाजिरी लगवा के खिमा याचना कर लेनी है। सो जलंधर शहर की एक साखी इस तरह आती है, जदों धन बाबा ईश्वर सिंह जी नानकसर वाले इस शहर में दीवान सजा रहे सन, उन्हां दी करनी कमाई गुरुआं दी बख्शिश वड्डियां महापुरखां दी बख्शिश उन्हां दा करनी कमाई दा प्रताप दिन ब दिन संगत दी गिणती विच वाधा ही हुंदा चला जा रहा सी। उस वक्त रेडियो स्टेशन ते जॉब करन वाले श्री प्यारे लाल उन्होंने भी धन बाबा ईश्वर सिंह जी की शोभा सुनी, जस सरवण कीता, सबब बनिया होर सतसंगियां दे नाल मिल के सतसंगत दे विच बैठे बचन सरवण कीते, प्रतीत होया कि मन नूं शांत प्राप्त होई है। जो दुखां दे कारण करके मुश्किलां दे कारण करके अंदर तड़प अंदर भटकना दुखां हेठ दबिया दबिया मन घबराया मन कालापन ओ शांत होया कुछ ठंडा होया है। बेनती कीती संगियां राही भुगतण दा, नेड़े हो के धन बाबा ईश्वर सिंह जी दे नेड़े हो के मिलण दा ढो बनिया समा प्राप्त होया। खुला सुभा ते ड्यूटी भी एवें दी कुछ मजाकी लहजे विच भी कुछ बचन कीते, जिमें कि धन बाबा ईश्वर सिंह जी दे पुछण ते कि किन्नी उम्र है सी तां 60 वरे आख्या, 30 वरे है बाबा जी कहिंदे 30 वरे, कहिंदे रात तां सुत्यां लंघ जांदी है दिन दिन गिणिया इस करके अधी गिण ली 30 साल बणी। धन बाबा ईश्वर सिंह जी जिथे वड्डी करनी कमाई वड्डिया महापुरखां दी धन बाबा आनंद सिंह जी दी अथाह सेवा कीती, उपरंत दीन दुनी दे मालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सेवा दे नाल उत्थे गुरमत दा प्रचार कि भाई जो सिख है सिख सदाउंदा गुरु का हुक्म मनदिया होया अमृत पान करे बाणी पढ़े नशियां दा त्याग करे गुरसिखा वाली रहनी बहनी होवे फिर वो सिख है, यों कृपा कर दे सन। ते धन बाबा ईश्वर सिंह जी प्यारे लाल नूं आखदे ने, कहिंदे साडे कोल इक बिरद आया उहदी उम्र भी प्यारे लाल तेरे नालों घट नहीं सी, ते उहनूं पुछिया उह कहिंदा अज राती ही जन्म होया है सी ते वड्डी उम्र दा, बाबा जी कहिंदे राती बाबा जम्मिया ते बाबे जिहिया, कहिंदा जी कदे साध संगत विच आया ही नहीं अज ही पहला दिन है सुभागा समा प्राप्त होया, इसलिए पहला तो व्यर्थ ही चला गया सारा समा जन्म ही अज होया, जन्म ही अज होया। कुछ होर इस तरह दो चार जो सवाल किते, हर सवाल का जवाब देंदे हुए धन बाबा ईश्वर सिंह जी ने तसली करवाई, उपरंत उन्हें फिर अपनी जड़ी दुखां वालियां बेनतियां करन वाली जो मन विच टिकी हुई सी वो करनी ठीक समझी, आख्या इन्ना ढुकमा समा किन्ना प्रताप महापुरखां दा मेरा जड़ा मसला है मेरिया मुसीबतां हन दूर करन वास्ते जरूर सोझी पौणगे जरूर कोई मार्ग दर्शाउणगे। आख्या जी मैं बड़ा दुखी हाँ अत्यंत दुखी हाँ, इस तों अगे गला रुक गया, बेनती करनी भी औखी लगी। धन बाबा ईश्वर सिंह जी कहिंदे ने प्यारे लाल तू ते इस जलंधर दे रेडियो स्टेशन ते ड्यूटी करदियां नौकरी करदियां किन्ने हजारां लखां लोकां नूं खुश करदा हसाउंदा है ते अपना आप संभालना औखा हो गया, जे बिपता आ भी गई कोई दुख तकलीफ है भी ते अपनी बिरथा अपनी गल कह तां सही। अगों बड़ी निम्रता नाल ढल के बेनती की, बाबा जी वो ते ड्यूटी है नौकरी है
ना मन चाहता होवे तद भी हसाउण वालियां गल्लां भी ते बाकी जिहड़ी कोई ज्ञान दी जानकारी दी गल है जिन्नी हुंदी है वह भी करी दी है। ते बाबा जी कहिंदे फिर दुखी क्यों है, वह कि बिपता है, कि भीड़ पई है। उन्हें फिर तीन दुखां दा जिक्र बाबा जी अगे कीता, आख्या जी एक तो यह है कि जिहड़ा मेरा पुत्र है मैं जिन्ना क कर सकता सी उहदे पालन पोषण वास्ते पढ़ाई वास्ते कीता ते वड्डा होया, घर च इकट्ठे रहिंदिआं भी मैनू बुलाउणा भी ठीक नहीं समझदा, मूँह वट के लंघ जांदा है। एक घर विच एवें होवे अपने ही पुत्र होवे किन्नी दुखदाई गल है। दूसरी बेनती कीती कि धी व्याही सी, अणबण होण दे कारण वह भी हुण सहुरे घर नहीं इत्थे पेके घर ही बैठी है, यह उस तो भी वड्डा बोझ है, मापिआं वास्ते है ही दुख की गल। किन्नियां सोचां किन्ने ख्याल आउंदे ने, अज असीं बैठे हाँ अज भी दुख है, असीं चले गए उम्र दे कारण करके, उस तो बाद धी किस तरह वसेगी, किदां खुश रह सकती है, दुख ही दुख ने। तीसरी बेनती कीती बाबा जी लंबे समय तो मैं नौकरी ते कर रहा हाँ रेडियो स्टेशन ते, ते समा भी है लंबे समय नौकरी कारण करन दे कारण करके हुण तनखाह वधनी चाहीदी सी, सिफारशां भी पवाईआं, यतन कीते, भजन अठ बहुत कीती है पर सब व्यर्थ गई है, कोई लेखे नहीं पई, कोई लाभ नहीं होया। एवें कह के फिर रोण लग पिया, अपना आप संभालना औखा। तन बाबा ईश्वर सिंह जी नानकसर वाले कहिंदे प्यारे लाल कोई नहीं धीरज रख, हौसला रख, ते तेनों एक काम दसदे आ ओ करिया कर, गुरु भली करेगा, गुरु नानक साहिब मेहर करनगे जी, करो कृपा। तन बाबा ईश्वर सिंह जी ने वचन किया प्यारे लाल अमृत वेले उठण वाला एक उद्यम करी, अमृत वेले उठ के इशनान करके मूल मंत्र दा जाप करिया कर। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वार वार इसे दा ही जाप करना है ते ये बचन करदिआं अपने मुबारक हथां नाल माला बख्शिश कीती कि आ कर्म कर, इहनूं सुकर्म कहीए ते होर भी ज़्यादा फबदा कि चंगा कर्म नेक कर्म भला कम आ लै माला, इस मूल मंत्र दा जाप करिआ कर, ये दात दीन दुनी दे मालक सतगुरु गुरु नानक साहिब जी धुर दरगाह तों लै के आए, भावना नाल जपना कर, गुरु भली करेगा, गुरु मेहर करेगा, सत बचन आख्या। जपना शुरू कीता अमृत वेले इशनान करना ते माला लैके मूल मंत्र दा जाप करना, कोई दो हफ्ते पए ते जेड़ा लड़का बुलाउणा भी ठीक नहीं सी समझदा, जेड़ा पुत्र घर विच इकट्ठियां रहिंदियां भी मूँह पासे करके लंघ जांदा सी इधर उधर, वो आप ही आखदा पिता जी तुसी मेरे नाल नाराज़ क्यों रहिंदे हो, तुसी मैनू बुलाउंदे नहीं, पिता कदों नहीं चाहुंदा। पिता ने आख्या पुत्र तू बोल तां सही, मैं ते हमेशा ही ये सोचदा कि तू मैं तेरे भले दी गल ही करनी है, जिन्नी मैं पढ़ाई करा सकदा सी ओ करवाई, जो भी पालन पोषण कर सकदा सी ओ कीता, हुण तू उद्यम कर किसे काम ते लग, मैं ते चाहुंदा हाँ तू भी किसे काम ते लगे खटे कमाए सुख माणे। आख्या जी मैं उवें ही करांगा पर तुसी मेरे नाल नाराज़ ना रहो, तुसी खुश रहो। हफ्ता क होर पिया क्योंकि ज्यों ज्यों बंदे दे विगड़े हुए काम संवरन त्यों त्यों भावना विच वाधा हुंदा जांदा है, ते जिहड़ा जवाई नाराज सी वो आप ही चल के घर आया, क्योंकि गुरु नानक दियां मेहरां हो रही हैं, महापुरखां दी असीस गुरु नानक दी बख्शिश। घर चल के आया ते आखदा पिता जी
अक्सर समाज में रहिंदिया झगड़े तकरार कोई घट वध उची नीवी गल हो ही जाती है, बहुत वड्डी गल भी नहीं है। सो इसलिए मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं कोई गल गलत नहीं आखी, हो जाती ने। सो मैं आया हाँ, सो ये तुहाडी धी है जो मेरे नाल नाता जुड़िया पति पत्नी का, सो मैं लेके ही जाना चाहता हाँ। धी भी अपने घर वसदी हुई ते जड़ी लंबा समा नौकरी करदियां दी जड़ी लोड़ सी कि तनखा विच वाधा होवे, सैलरी च वाधा होवे, वो भी निरंकार ने गुरु नानक साहब ने कृपा की, तनखा विच भी वाधा हो गया। तिने ही काम संवर गए, तिने ही औकड़ा दूर हो गई। फिर आया शुकराना करन वास्ते प्यारे लाल धन बाबा ईश्वर सिंह जी पास। बाबा जी आप जी ने बड़ी कृपा की है, बड़ी मेहर की है, ये तो नाले मेरा लोक भी संवर जाएगा तो परलोक भी संवर जाएगा। ये तीन मुसीबत बनिया सन, तिने ही दूर हो गई ने। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो। बख्शिशा हो जांदियां ने कोई रब नाल जुड़िया होयां दी संगत करे ते सीधा मार्ग प्राप्त हुंदा है, मेहर हुंदी है। सो प्यारे लाल शुकराना करन वास्ते आए ते अगों धन बाबा ईश्वर सिंह जी कहिंदे ने प्यारे लाल गुरु नानक साहब ने मेहर कीती है ते तू हुण गुरु नानक दा शुकराना कर, शुकराना करिया कर। सतगुर वड्डा कर सालाही है जिस विच वड्डियां वडियाईयां, वड्डी कृपा कीती है, वड्डियां वडियाईयां दे दाते ने गुरु नानक पातशाह ने। तू जिथे रेडियो स्टेशन ते होर किन्नियां गल्लां हसाउण वालियां करदा है, समाजिक ज्ञान दियां गल्लां करदा है, जानकारी देंदा है, ते ये उदों भी चंगी गल होवेगी विच ही धन गुरु नानक साहब दा एवें ही नाम लै दिया कर। कहिंदे ने सचमुच ही रेडियो स्टेशन ते प्रोग्राम देंदे देंदे ही प्यारे लाल कदे कदे इस तरह धन गुरु नानक एवें उचारण करना, कोई कोई उन्हों मिलन बाद विच जिन्हां नूं पता सी कि प्यारे लाल नूं तां एवें दी लगन ही नहीं है, उन्हां आखना प्यारे लाल एवें दा पहला तां नहीं सी, पहला नहीं सी गुरु नानक दा जिक्र करदा। उन्हें आखना बाबा ईश्वर सिंह जी कलेरां वालियां दी कृपा होई है, उन्हां दी कृपा होई है, उन्हां नूं उन्हां ने मैनूं उस दात नाल जोड़ दिता जो दीन दुनी दे मालक सतगुरु जगत गुरु गुरु नानक पातशाह धुर दरगाह तो लैके आए, उस मूल मंत्र नाल जोड़ दिता। जिमें जिमें जपदा है उस तरह सुखां विच वाधा हुंदा जा रहा है, दुखां की निवृत्ति हुंदी जा रही है, दुख खत्म हुंदे जा रहे ने। एवें कृपा कीती साध संगत जेड़े महापुरख जिन्हां दा प्रताप इन्ना वड्डा कि उन्हां दी आखी निरंकार भी नहीं मोड़दा, उन्हां दा आखिया गुरु नानक साहिब भी नहीं मोड़दे। क्यों? वो बन के ही गुरु नानक दे रहिंदे ने, वो सतगुरु दे बन के रहिंदे ने। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे, वो गुरु दे गुरु उन्हां दा बन के रहिंदा। जेड़े एवें कमाई करदे ने महापुरख सतगुरु उन्हां प्रति पावन बचन उचारण करदे ने, हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावहे अतुल सुखो। कि हरी दे संतां नूं परमात्मा दे प्यारे महापुरखां नूं वार वार नमस्कार, उन्हां दी संगत करिए ते की प्राप्त हुंदा, वो नाम नाल जोड़ दिंदे ने, फिर नौ निदां प्राप्त हो जांदियां ने। वो सुख प्राप्त होंदे ने जिहड़े तोले मापे नहीं जा सकते, नौ निद पावहे अतुल सुखो। सो आप इस खेतर दियां इस इलाके दियां संगतां वडभागी हो जो रल मिल के दीन दुनी दे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले सहज पाठ आरंभ कराए, फिर श्री अखंड पाठ साहिबान कराए, फिर श्री संपट अखंड पाठ। सो ये उद्यम कीता है, नाल ये उद्यम करद्या करद्या पुन दान हर एक तरह की जो सेवा की लोड़ हुंदी है उहदे विच सारिया योगदान पाए। सतगुरु कृपा करदे ने बाणी द्वारा, पुन दान का करे शरीर सो गिरही गंगा का नीर,
कि जड़ा गृहस्थी घर बारी सिख होंदिया गृहस्थ का जीवन गुजारद्या होया नाल ये पुनदान दे कर्म करदा है, वह तो गंगा के स्वच्छ पानी वर्गा है। वह मैली ना हुई होवे, उहदे विच पानी गंदे नालियां दा ना पाया होवे, वह स्वच्छ जल। पुन दान का करे शरीर सो गिर ही गंगा का नीर, वह तो गंगा दे पवित्र स्वच्छ जल वर्गा पवित्र है। ये मानता दिती है सतगुरु ने, इसलिए आप वडभागी हो, पहला तो ही जुड़े आ रहे हो। तो धन धन बाबा कुंदन सिंह जी ने कृपा की सी, आपने सामने भी वह नींह पत्थर रख्या होया है, जदों के धन धन बाबा कुंदन सिंह जी ने इस स्थान की नींह रखना की। साध संगत उस तरह ही आप लगे आ रहे हो, जुड़े आ रहे हो संगत करनी, संगत महापुरखा दी जेड़े गुरु ग्रंथ साहब जी नू सतगुरु मनते हो, गुरु ग्रंथ साहब जी नाल जोड़ते होन, आप जुड़े हुए होन, उन्हां दी संगत ते साडे जो इष्ट साडे जो सतगुरु दसां पातशाहियां दे पावन प्रतख स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दे चरणां च जिन्हां दी ताबिया आपां सारे उन्हां दी संगत दे रूप विच एकत्र होए बैठे हाँ। सो ये सुभागा समां सतगुरां दी बख्शिश नाल ही आपां नूं प्राप्त हो रहा। आप होर भी वडभागी हो जो लंबे समय तो इस चल रहे जप तप वाले समागम विच तरह तरह दीयां सेवावां करदे हो ते हाजरियां भरदे हो, कथा कीर्तन कई करदे कई सरवण करदे। लगभग सब नूं ही पता है कि धन बाबा आनंद सिंह जी जदों उस बागां दे इलाके च पधारदे ते बाबा जी प्रसन्न हो के बचन करदे सन बागां वाले भागां वाले, इस लई कि लगभग सब नूं ही गुरबाणी दी लगन, कोई पाठ करन वाला कोई कीर्तन करन वाला कोई कथा करन वाला नहीं तां सरवण करन वाला जां कीर्तन दे विच बैठ के नाल साथ देण वाला नाल बोलण वाला बाणी नाल जुड़े हुए होण करके बाबा जी बचन करदे सन बागां वाले भागां वाले। सो सतगुरु मेहरा रखण, मेहर भरिया हथ सिर ते रखण। दास इन्ना समा हाजरी लगवाउंदा होया खिमा दी याचना करदा, सतगुरु भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शन, अगे वास्ते मेहर करन समत बख्शिश करन कि किवें हाजरी लगवाउणी है। बुलाओ फतेह प्यार सहित आखो जी मिल के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।